25 जुलाई से चल रहा शिक्षा मित्रों का आंदोलन कामयाब होता नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों से मिलकर उनकी समस्या के समाधान का भरोसा दिया। अब शिक्षा मित्रों ने अपना आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। इस आंदोलन के दौरान 4 शिक्षा मित्रों ने तनाव की वजह से आत्महत्या की। जनमन विशेष, शिक्षा मित्रों की 25 कहानियां। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का आंदोलन स्थगित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे थे। शिक्षा मित्रों ने अगले 15 दिन तक आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1,38,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया था। शिक्षा मित्रों को सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। बुधवार से शिक्षा मित्र पढ़ाने जाएंगे। यह है तस्वीर शिक्षा मित्र सत्य प्रकाश की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के खुशकपुरा में रहने वाले 45 साल के शिक्षा मित्र सत्य प्रकाश ने घर में फांसी लगा ली। सरकार ने उनको निकाल दिया गया था 25 तारीख से। उसके दबाव में वे खाना पीना नहीं खाते थे, परेशान रहते थे, यही चिंता सारी, मेरी नौकरी जा रही है, मेरी नौकरी जा रही है, मेरी नौकरी जा रही है, मेरी नौकरी जा रही है। बूढ़े बाप की आंखों में अब सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। घर में मातम छाया है। परिवार के मुताबिक सहायक शिक्षक सत्य प्रकाश समायोजन रद्द होने के बाद से डिप्रेशन में थे। पिछले 2 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। ये गवर्नमेंट की नियुक्तियां जो है फेल कर दी, मास्टर से हटाए दिए गए बागम में और लगा ली फांसी साहब, नौकरी की खातर कमाई नौकरी छीन ली। 3 साल से तैनात थे नौकरी में, जा सरकार ने 1.5-2 लाख घर बेघर कर दिए। शिक्षा मित्र सत्य प्रकाश मछरिया ब्लॉक खेरगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में समायोजित थे। 25 तारीख से चल रहे धरने प्रदर्शन में वो भी शामिल थे, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। सहायक शिक्षक के तौर पर उन्हें 39,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन समायोजन रद्द होने के बाद से घर पर आर्थिक संकट आ गया। अब 40,000 जगह उन्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, उनके बच्चों का घर का कैसा गुजारा होगा, अब बताइए। मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है अभी इंटर में, बाबा हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो बीमार रहते हैं, कैसे खर्चा चलेगा आप बता। शिक्षा मित्र सत्य प्रकाश की मौत की खबर से शिक्षा मित्र नाराज हैं। वहीं घर में मातम पसरा है। मौके पर SDM और CO भी पहुंचे, जिन्होंने सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा पीड़ित परिजनों को दिया। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वो 43 वर्षीय युवक है, शिक्षा मित्र है, और अब जो भी परिस्थिति और भी कारण क्या रहे हैं, अकेला एक कारण नहीं है, उसमें और भी कारण हो सकते हैं, तो उस पर पूरी पुलिस जांच कर रही है। पच्चीस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश में 4th शिक्षा मित्र की मौत हुई है। 26 जुलाई को मथुरा की समायोजित शिक्षा मित्र गायत्री ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। वहीं अमेठी के एक दिव्यांग शिक्षा मित्र ने भी जहर खाकर के अपनी जान दे दी। अमेठी के संग्रामपुर इलाके की शिक्षिका शकुंतला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार वालों ने इसे भी समायोजन रद्द होने का असर बताया। ये चारों सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में टीचरों की कमी से निपटने के लिए साल 1999 में शिक्षा मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर रखे जाने की शुरुआत हुई। शिक्षा मित्रों का काम था प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना। वक्त के साथ साथ यूपी में ऐसे करीब 1,72,000 शिक्षा मित्र तैनात किए गए। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया,
शिक्षक बनाने के लिए न्यूनतम योग्यताओं को किनारे रखकर ये नियुक्तियां की गईं। उनका वेतनमान भी शिक्षक का नहीं था। शुरुआत में शिक्षा मित्रों के लिए 3500 रुपए का मानदेय रखा गया, लेकिन इसके बाद भी 172,000 लोग शिक्षा मित्र बनकर दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हो गए। शिक्षा मित्रों की समस्या शुरू हुई शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद। 2009 के शिक्षा के अधिकार एक्ट की धारा 23(2) के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं को घटाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कक्षा 1 से 8 में भी अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। नियमों के मुताबिक प्रशिक्षित स्नातक को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी TET पास करने पर ही शिक्षक पद के योग्य माना जाएगा। समस्या ये थी कि शिक्षा मित्र इन पैमानों पर खरे नहीं उतरते थे। 2009 में यूपी में तत्कालीन BSP सरकार ने शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर समस्या का समाधान निकालने की शुरुआत की। यहां तक शिक्षा मित्र सिर्फ शिक्षा मित्र हुआ करते थे, लेकिन 2012 चुनावों से पहले SP ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का वादा किया। अखिलेश सरकार सत्ता में आई तो उसने अपना वादा निभाया, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए नियमों की अनदेखी कर डाली। 2014 में TET से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई। सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन के नाम पर शिक्षा मित्रों को नई नियुक्ति दी गई। 1,38,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया। सहायक शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाकर 39,000 कर दिया गया। 2014 से पहले शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए तनख्वाह ही मिल रही थी। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 1,38,000 शिक्षकों को सहायक अध्यापक के तौर पर समायोजित करने को अवैध ठहरा दिया। यानी 39,000 पाने वाले सहायक अध्यापक फिर से 2014 के पहले की स्थिति में यानी शिक्षा मित्रों की श्रेणी में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का वक्त भी दिया। कोर्ट ने इन शिक्षा मित्रों से कहा कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती की औपचारिक परीक्षा UPTET में बैठना होगा और उन्हें लगातार 2 प्रयासों में ये परीक्षा पास करनी होगी। सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए यूपी के कोने कोने में शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद में शिक्षा मित्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बेरोजगार होने के बाद घर कैसे चलेगा, सभी को यही चिंता सता रही है। नौकरी से हटाए जाने को अपने सम्मान पर चोट मान रहे शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद के सर्व शिक्षा अभियान के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। 1,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। इन शिक्षा मित्रों ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए शिक्षा मित्रों ने सरकार को साफ कर दिया है कि अगर अध्यादेश लाकर उनका समायोजन नहीं किया गया तो वो लोग इलाके के सभी प्राइमरी स्कूलों में तालाबंदी करेंगे और किसी भी स्कूल को खुलने नहीं देंगे। हम भी लाठी डंडा आलम के भाला कट्टर खिलाड़ी सब लेके हाजिर होंगे। अपने साथियों को विश्वास दिला रहे हैं कि खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। हम शिक्षक के रूप में 17 वर्षों से कार्य कर रहे थे और निश्चित आगे करते रहेंगे। हमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे लिए बिल संसद में लाकर सहायक अध्यापक पद पर पुनः बहाल किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र भी पहुंच चुका है शिक्षा मित्रों का आंदोलन। 27 जुलाई को गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों को पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। शिक्षा मित्र गोरखनाथ मंदिर तक प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए आई पुलिस को लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में कई महिला शिक्षा मित्र भी थीं। यूपी के मथुरा की ये तस्वीरें शिक्षा मित्रों का गुस्सा और दर्द दोनों बताने के लिए काफी हैं कि कैसे स्कूल में बच्चों को शालीनता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र उग्र हो गए हैं।
शिक्षा मित्रों ने दो दिन पहले कुछ इस तरह पटरी पर लेटकर प्रदर्शन किया ताकि सरकार की नजर उन पर पड़े और उनकी मांगे पूरी हों। इन शिक्षा मित्रों ने मथुरा कासगंज पैसेंजर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। हालांकि जीआरपी ने फौरन मौके पर पहुंचकर शिक्षा मित्रों को रेलवे ट्रैक से हटवाया। ये है मुरादाबाद के अबाब करपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ स्कूल के अधिकतर क्लासरूम में ताले लटके हुए हैं। वजह है स्टाफ की कमी। हेडमास्टर क्लास 4 और 5 को एक साथ पढ़ाते मिले तो सहायक अध्यापिका कक्षा 1, 2 और 3 को पढ़ा रही थी। पहले 3 टीचर और एक शिक्षा मित्र हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं। उनके भी सामान्य ज्ञान बड़े सवाल खड़े करते हैं। 2 क्लासेस मेरे पास हैं यहाँ अवेलेबल, जिसमें मैं बच्चे बिठा सकता हूँ, और 2 क्लासेस में मेरे यहाँ 2 ही स्टाफ है। हमने उन 2 क्लासों में ही बच्चों को बिठा रखा है। एक कक्षा और है हमारे पास में, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर भी टीचरों की कमी से जूझ रहा है। गोरखपुर के जीतपुर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षा मित्र तैनात था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो भी नहीं आ रहा। स्कूल में 301 बच्चे हैं, जबकि मुकाबले में 4 सरकारी शिक्षक हैं। मेरी जो शिक्षा मित्र थी उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। वो थी क्लास में, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, देखती थी पूरा क्लास। समाजवादी पार्टी शिक्षा मित्रों के हक में आवाज उठा रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ है। एसपी की मांग है कि जिन शिक्षा मित्रों की जान गई है उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए देने चाहिए। आपको बता दें कि एसपी के राज में ही शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर 39,000 किया गया था। बीएसपी के राज में शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दिए जाने की शुरुआत हुई थी। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने का फायदा यूपी की जनता को नहीं मिल रहा। मायावती का आरोप है कि शिक्षा के अधिकार व रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाओं में केंद्रीय मदद घटा दी गई है। शिक्षा मित्रों की समस्या यूपी विधानसभा में भी उठ चुकी है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शिक्षा मित्रों से धैर्य रखने की अपील की है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रास्ता निकाला जा रहा है। शिक्षा मित्रों से मेरी यही अपील है कि किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं। सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा मित्र बीजेपी सरकार से नाराज इसलिए भी हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 3 महीने के भीतर शिक्षा मित्रों का मामला सुलझाने का दावा किया था। शिक्षा मित्र केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों की मांग है कि सरकार नया कानून बनाकर उनकी मदद करे। शिक्षा मित्रों की मांग है कि उन्हें सहायक शिक्षकों की सैलरी ही दी जाए, बेशक उनके लिए सरकार नया पद बना दे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।